मुरादाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार की तरफ से अपनी थ्योरी पेश करते हुए कहा कि कोरोना काल के चलते देश के नागरिकों को जो सुविधाएं दी गई हैं उसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई है जो लिमिट के ऊपर नहीं जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम आज एक दिन के दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो देश के बजट के बाद यहां पर आए हैं, इसलिए उसे लेकर अपनी बात करना चाहते हैं। जफर इस्लाम ने इस बजट को अब तक का सबसे बेहतर बजट बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट के अंदर हर व्यक्ति का ध्यान रखा है, वो चाहे महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हों या फिर देश में फैला सड़कों का जाल। देश के नागरिकों को बेहतर जिंदगी और सुविधाएं देने के ये केंद्र की मोदी सरकार वचनबद्ध है। पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन मामले में जब बीक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत पर सवाल किया गया तो भाजपा प्रवक्ता बोले कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से चर्चा चल रही है, जल्द हल निकल जाएगा। वहीं अब डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किया गया तो भाजपा प्रवक्ता ने मोदी सरकार की तरफ से बोलते हुए अपनी अलग ही थ्योरी पेश की। कहा कि कोरोना काल के चलते देश के 80 करोड़ लोगों को निशुल्क भोजन मुहैया कराया गया और दूसरी जरूरतों के लिए अधिक पैसा खर्च हुआ है, जिसके चलते पेट्रोलियम पदार्थों पर सरचार्ज बढ़े हैं, लेकिन अब अधिकतम रेट गया, इसके ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में दर्शाता है कि हर वर्गों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए ये बजट था। साथ ही साथ भाई बहनों, साथ ही साथ मैं आपके आप लोगों से, चूंकि अभी आगामी जो चुनाव होने वाला, पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि हमारी पार्टी विकास पे जोर करती है, विकास ही हमारा मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की जो हम कोशिश करते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। और उसके लिए जो तैयारियां हैं उसको हमने तैयारी किया, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और इस तैयारी में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में हमने संयोजक को है, 8 ब्लॉक में संयोजक के नियुक्ति कर ली है। उसके साथ साथ जो है 39 ज़िला पंचायत वार्ड जो है उसके भी हमने संयोजक और प्रभारी को हमने नियुक्त कर लिया है। और उसके जो 640 ग्राम पंचायत है उसमें भी हमने संयोजक को है उनकी नियुक्ति कर दी है। हम 26, 27, 28 एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं चाहे वार्ड लेवल पे, जहां पर प्रभारी जो है वार्ड लेवल पे प्रोग्राम करेंगे, बैठक लेंगे और इसकी तैयारी की जोरदार जो है आगामी इलेक्शन की तैयारी के जो स्वरूप रूपरेखा तैयार जो है उसके बारे में सबको उसके आगाह कराएंगे। और मुझे लगता है कि जो आगामी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम प्रचंड बहुमत से सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि इतिहास एक बार फिर से रचाएंगे, इसलिए कि लोगों का विश्वास हम जीतने में कामयाब हुए हैं और लोगों के विश्वास को आगे और भी जीतते रहें इसके लिए और उनकी सेवा करते रहें। इसी तरह से हमारे अपने सारे जितने भी जो लोग प्रभारी हुए या संयोजक जिनको नियुक्त किया गया है वो हर घर के दरवाजे खटखटाएंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो अपने मैनिफेस्टो और अपने जो अपने इलेक्शन के कार्यक्रम में उसके बारे में रूपरेखा तैयार करके लोगों के समक्ष रखेंगे भी। तो मैं बस इन बातों के साथ आपके साथ ये बातें आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं उस पर उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा, बट सब्जेक्ट हमारा आज का ही है। फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो राकेश जी क्या तो कैसे बनता? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि किसान रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो राकेश टिकैत जी हों चाहे और भी हों, सभी रिप्रेजेंटेटिव में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनसे वार्तालाप चल रही है। हमारे बड़े अधिकारी और हमारे बड़े लीडर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके समक्ष इसकी जो बातें जो होंगी उससे और जो एक पॉजिटिव, हमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट जो सकारात्मक उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने भी आपके समक्ष भी रखा जाएगा। नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं, चूँकि आपने बात ये महत्वपूर्ण बात है और इसको हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से बोलना चाहते हैं इसलिए कि जनता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि थोड़ा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, लेकिन आप तो उनको उसी परिपेक्ष में देखिए जिस परिपेक्ष में देखना चाहिए। इस मैं मानता हूँ इस बात को, क्या और इसको ये भी कोई एक सीमा के ऊपर पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं जाएंगे, लेकिन जब ऐसी महामारी आई जिसके बारे में किसी की जानकारी नहीं थी, उस वक्त क्या हो गया
कि एक तरफ तो बिल्कुल सरकार की हर आमदनी बंद हो गई, जो रेवेन्यू जो सरकार का होता है वो जो नल उसका बंद हो गया, टैप बंद हो गया, और दूसरी तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बराबर सोचती, जनता के बारे में सोचती, गरीबों के बारे में। ये हमारी सरकार की नीति है कि गरीब आदमी कभी भूखा ना रहे, इसलिए हमने 1,95,000 करोड़ का सबसे पहले जो है हमने जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इमीडिएटली जो है महामारी में अनाउंस किया। पूरे महामारी के समय 27,00,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। जाहिर है उतने पैसे सरकार के पास नहीं थे, फिस्कल डेफिसिट जो है जो वो 9.5% हुआ, लेकिन उस बीच में हमने जो कि अगर सरकार के पास कोई खजाना ना हो लेकिन पूरे जो पूरे खजाने के खोल देना लेकिन गरीबों के लिए, वो सरकार की नीति थी। इसलिए उस वक्त थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम जब कम भी थे तो हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उनको लिया ताकि आम नागरिक जो है, गरीब नागरिक जो है उसकी सेवा कर सके। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने जो भी एक एक पैसा लिया, एक एक पाई, वो पर पाई जो है सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी कोई भत्ते पे नहीं खर्च हुआ, बल्कि ये सारी चीज़ें गरीब आदमी के पेट में अनाज जाने के लिए, गरीब आदमी जिसके यहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसका जिनके यहाँ और भी समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, घर घर तक बिजली पहुँचाने का काम इसी पैसे से हुआ है। ये एयरमार्क्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर सड़कें में हमारे किसान भाई बहन जाते थे, उनके अगर आप एक दूध वाले जा रहे हैं तो दूध छलक छलक के बाहर आ जाता था, पेट्रोल छलक छलक के उनका 10 किलोमीटर का एवरेज हो रहा तो वो 5 किलोमीटर देता था, 20 का तो 10 देता था, इसलिए कि वो भी उनका नुकसान होता था। अब हम स्मूथ रोड, सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी रोडें सड़कें बनाई हैं वो इन पैसों का उस जगह इस्तेमाल हुआ है। हम साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ओपेक प्लस अदर कंट्रीज जो पेट्रोल जो कच्चे तेल जहां से उत्पादन होता है वो कंट्रियां ने एक कार्टेल बना के दाम बढ़ाया और प्रोडक्शन कम कर दिया। हमने हर प्लेटफॉर्म पे हमारी सरकार ने मजबूती से इस बात को रखा है और उस पर बहुत कोशिश की, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो वो उत्पादन अपना बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि वो प्राइस जो है कम हो जाएगा। अगर आप अपना डिमांड जो है वो ज़्यादा है और आप उत्पादन कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे तो जाहिर है उसका नुकसान जो प्राइस पर दिखता है, तो वो पिछले दिनों सऊदी अरब ने किया, बाकी दूसरों ने किया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सबसे बात की है और मुझे लगता है कि उन लोगों ने तैयारी की है कि थोड़ा उत्पादन बढ़ाएंगे। जैसे उत्पादन बढ़ेगा रेट भी कम होगा और यहाँ भी रेट कम होगा, लेकिन फिर भी मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये पैसा एक एक पाई गरीब नागरिक के सुविधाओं को देने के लिए खर्चा किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार के अलग खर्चे हैं उसमें ज़रा सा भी खर्चा नहीं किया, और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए खर्चा किया गया, और आगे भी इन पैसों, लेकिन आगे भी अगर तेल का दाम और भी ज़्यादा बढ़ गया उसके बावजूद बहुत दाम एक सीमा के ऊपर तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, तेल के दाम ज़रूर घटेगा। और आगे ये मैं कह सकता हूँ, आज ये कह सकता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है इस देश को उन लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए जिनके पेट खाली थे, उनको अनाज पहुंचाने के लिए। नवंबर तक अनाज फ्री देना किसी सरकारों ने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हमारी सरकार ने एक गरीब परिवार को अगर अनाज नहीं है तो लॉकडाउन के समय देने के लिए, साथ साथ अगर महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालना या फिर किसानों के अकाउंट में पैसा डालना या फिर आम नागरिक ये पैसे डालना या पेंशनर्स के अकाउंट में पैसा डालना, ये सब हम लोगों ने कर पाए ताकि ये जो है थोड़ा हम एक्साइज ड्यूटी इस पर कलेक्ट कर पाए। लेकिन हम उन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहते हैं जो कि आज इस उन्होंने अपना योगदान दिया है, जिस जो पेट्रोल प्राइसेस में जो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है उसमें उनके पैसे का इस्तेमाल जो है जो गरीबों तक पहुँचे जो सुविधाओं पहुँचाने के लिए प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इरीगेशन के बारे में खर्च किया उनके योगदान से हुआ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आश्वासन भी साथ साथ देता हूँ कि एक सीमा से ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगी, और यहाँ से उम्मीद करता हूँ जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे तेल के कच्चे तेल के दाम कम होगा यहाँ भी दाम